सुप्रीम कोर्ट ने जब से रफाल मामले में मोदी सरकार को झटका दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के बचाव में जुटे हैं। वो बार बार खुद को चौकन्ना चौकीदार बताकर विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज मां सोनिया गांधी के नामांकन में रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने यहां भी पीएम मोदी को बहस की चुनौती दी है। रफाल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही मोदी सरकार को घेर रहे थे, मगर जब से सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर मोदी सरकार की आपत्तियों को खारिज कर नए सबूतों के आधार पर दोबारा मामले की जांच के आदेश दिए हैं, तभी से मानो राहुल गांधी के हाथ में मोदी सरकार पर प्रहार करने का हथियार लग गया हो, जिसे लेकर राहुल गांधी एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं और देश के चौकीदार को चोर बता रहे हैं। आज भी मां सोनिया गांधी के नामांकन में रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें गुमान था कि वो इस देश के लोगों से बड़े हैं और वो कभी पराजित नहीं हो सकते। पीएम मोदी को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि वो अपराजय हैं, लेकिन यह चुनाव उन्हें सबक सिखा देगा। इतना ही नहीं, इस दौरान राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। नरेंद्र मोदी टू आंसर थ्री ऑफ फोर क्वेश्चन, प्लीज आंसर व्हाई अनिल अंबानी वाज गिवन 30,000 करोड़ एंड आई एम रेडी फॉर अ ओपन डिबेट विद द प्राइम मिनिस्टर वेयर एवर ही वांट्स। आई कम टू रेस कोर्स रोड एंड आई चैलेंज हिम फॉर अ डिबेट ऑन करप्शन एंड आई गारंटी यू the day Narendra Modi has a debate with me on corruption is the day Narendra Modi will not be able to look into the eyes of anybody in this country. राहुल गांधी ने यहाँ पीएम मोदी को बहस की चुनौती दी है। वैसे इससे पहले भी राहुल पीएम मोदी को ऐसा ही चैलेंज दे चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।